पंचायत क्षेत्र में पहले आता था, थोड़ा इसको हमको चेक करवाना है। ये हसनाबाद इलाका है, काफ़ी लंबा चौड़ा है, और मैं आया हूँ अपने स्टाफ के साथ, हमारे साथ इंजीनियर भी हैं, ये देखने कि ये इलाके में क्या क्या हम कर सकते हैं। सबसे पहले हमें ये भी देखना है कि ग्राम पंचायत क्षेत्र है, यहाँ सीवेज लाइन भी नगर पालिका ने डावर पंचायत में तो हमारी सीमा में है कि नहीं, हमें ये भी चेक करना है। दूसरा, यदि सीमा में नहीं है तो ये भी देखना है कि यहाँ सीवेज लाइन कैसे डली, और थोड़ा मकानों की स्थिति बड़ा बेतरतीब ढंग से मैं देख रहा हूँ, कोई यहाँ बना, कोई वहाँ बना, कोई ऊंचा बना, कोई नीचा बना, कोई स्वीकृति नहीं है। तो हो सकता है ये जो भी कॉलोनी ऑर्गेनाइजर ने प्लॉट बेचे हैं तो इसकी कोई मंजूरी वंजूरी मुझे नहीं लग रहा है कि है यहाँ, इसलिए यहाँ अव्यवस्था है, क्योंकि इस क्षेत्र में नाली नहीं है, इसलिए नहीं है कि मकान उल्टे सीधे बने हुए हैं, आगे पीछे इधर उधर, सड़क भी नहीं है। तो शायद निकाय क्षेत्र भी हमें चेक करना है थोड़ा, क्योंकि इनकी एक मांग तो ये रोडों की है, और दूसरा है कि बिजली के खंभे भी यहाँ नहीं लगे। हाँ सर, तो ये विद्युत मंडल से बात करनी होगी कि यहाँ लाइट उल्टे सीधे ढंग से लोग ले रहे हैं, और वास्तव में स्थिति खतरनाक है कि ये दुर्घटना भी हो सकती है। बकायदा बिल आ रहा है, मैं इसको चेक करके उसके बाद प्रतिवेदन कलेक्टर साहब को दूंगा। यहाँ पे अनेकों समस्याएं सड़क नाली और बिजली को लेकर हैगी। यहाँ हमारा अनुरोध सीएमओ साहब से और मनी कलेक्टर महोदय से ये हैगा कि ये सीवेज लाइन जब डाली थी, लोग जो यहाँ नागरिकों ने प्लाट लिए थे और अपने खुद हाथों से रोड अपने जो भी बनाते हैं साधारण हाथ से, जिसमें वो अपना चल सके निकल सके, मगर सीवेज लाइन के कारण ये सारी रोड खुद गई है और स्थिति ये है कि घर से अब लोग निकल भी नहीं पा रहे। यही अनुरोध हमने सीएमओ महोदय से किया है, और हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी यहाँ पे हमारे नागरिकों को सुविधाएं प्राप्त होंगी और वो लोग अच्छे से जीवन बसर कर सकें। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी ना भूलें।